हिंदुस्तान और से दंगल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलशेखर दुबे और आज मैं मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो मेला लगा है गड़ी जिंदौर पशु मेला 10 दिसंबर 2021 से जो कि 20 दिसंबर 2021 तक यानी कि कल तक चलने वाला है। और कल इस मेले में हिंदुस्तान के हर कोने से घोड़े पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर इनामी चेतक प्रतियोगिता का महामुकाबला होने वाला है जिसमें हिंदुस्तान के हर कोने से घोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी आप सभी लोग टेंट में तीन घोड़े जो दिखाई दे रहे हैं, एक घोड़े बिहार से चलकर मलिहाबाद की धरती पर पहुंचे हैं और जो जिस घोड़े के शरीर पर चट दिखाई दे रहा है दिया हुआ है उस घोड़े का नाम है बागी। जो दूसरा घोड़ा आप सभी लोग देख रहे हैं इस घोड़े का नाम है दिमागी बादशाह। और तीसरा जो घोड़ा आप सभी लोग देख रहे हैं इस घोड़े का नाम है पिस्टल। बागी घोड़ा और दिमागी बादशाह घोड़ा के ओनर हैं बिहार के श्री विवेका पहलवान जी। और हाल ही के दिनों में अभी अच्छे रेसों में बागी घोड़ा के आप सभी लोग प्रदर्शन देखे होंगे, चाहे वो रौनाही फैजाबाद की रेस हो या ददरी बलिया की रेस हो। और जो दिमागी बादशाह घोड़ा है ये भी काफ़ी अच्छा घोड़ा है, घोड़े में काफ़ी अच्छा पावर है और ये भी घोड़ा रेस में स्थान प्राप्त किया है और मालिक का नाम रोशन किया है। जो तीसरा आप सभी लोग पिस्टल घोड़ा देख रहे हैं इस घोड़े के ओनर हैं वशिष्ठ मुनि सिंह जी, ग्राम लड़ुई रोहतास बिहार से, जो कि बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में हर साल रेस कराते हैं। उन्हीं का एक पिस्टल घोड़ा है और पिस्टल घोड़ा का आप सभी लोग चलावा मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की धरती पर देखे होंगे। ये भी घोड़ा काफ़ी चर्चा में है और कई रेसों में ये घोड़ा पार्टिसिपेट किया है। और इस तीनों घोड़े पे जो सवारी करते हैं एक बहुत ही पुराने अनुभवी उस्ताद सवार शंभु सिंह। हिंदुस्तान हॉर्सेस दंगल में आपका स्वागत है चाचा। सवार सवार भुवर सिंह, और आप सभी लोग सवार शंभु सिंह की, यहाँ पे और सवार भुवर सिंह की मलिहाबाद में जो रेस हुआ है और यहाँ पे आए हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से घोड़े सभी लेकर आए हुए हैं? हम तो लेकर बिहार से आए हैं जी। कितने दिन पहले से लेकर आए हुए हैं? हो गया करीब 4-5 दिन हो गया हमको। 4-5 दिन यहाँ फील्ड पे आप कितने दिन घोड़सवारी मतलब अपना तैयारी किए हैं? या इस फील्ड पर करीब 4 दिन तैयारी किए हैं जी। जी क्या नाम है आपका? नाम हमारा शंभू सिंह पर है जी। अपना एड्रेस पता बताइए। हमारा एड्रेस तो बिहार पड़ेगा जी, रोहतास जिला जी, श्री रामपुर घर जी। कितने घोड़े लेकर आए हैं आप? अभी तो लेकर 3 आए हैं जी। क्या आप मतलब छोटे गेम में खेलेंगे, दो दांत वाला घोड़ों में रेस खेलेंगे या बड़ों वाले में? एक तो दो दांत वाले में खेलेंगे जी और दो खेलेंगे बड़े वाले में जी। आपके पास कौन कौन से चाल चलने वाले घोड़े हैं? सिंधी चलने वाले है, चौताला चलने वाला जी। जो घोड़ा सिंधी है और चौताला उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, कौन सा आपका घोड़ा इसमें सिंधी चलने वाला है? सिंधी तो यही घोड़ा है जी, बड़ा वाला जी। लमसम कितना उम्र का होगा यह घोड़ा? उम्र तो इसका 4 दांत लग रहा है। 4 दांत? यह घोड़ा 4 दांत के मतलब जवान घोड़े के साथ में लड़ेगा, उसी रेस में पड़ेगा। अच्छा, लमसम इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड 36-37 जी, 38 मान कर चलिए जी। तो इस तीन घोड़े आप लेके आए हैं यहाँ पे, तीनों घोड़े पे कौन कौन से घोड़सवार सवारी करेंगे? एक पे तो आप रहेंगे? एक पर तो हम रहेंगे जी, एक पर भुवर रहेंगे जी। जी घोड़े मालिक का नाम बताइए जो तीनों आए हैं। एक विवेका पहलवान जी, बाढ़ के रहने वाले जी, और एक लड़ुई जी, लड़ुई रोहतास जी, वशिष्ठ मुनि सिंह जी। जी हाँ चलिए ठीक है, हमारे साथ हैं भुवर सवार जी और उनसे आप हमारे हिंदुस्तान हॉर्सेस दंगल में आपका स्वागत है। और आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शक को। मेरा नाम भुवर है जी। कहाँ से आए हुए हैं? रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार से जी। कितने घोड़े लेके आए हैं? 3 घोड़े ले आए हैं जी। ये जो उस्ताद हैं पुराने जो इस समय बुजुर्ग हो चुके हैं वो आपके कौन लगते हैं? मेरे पिताजी हैं जी। उनसे आप घुड़सवारी सीख रहे हैं और उन्हीं के साथ में रह रहे हैं? कौन से घोड़े पे आप घुड़सवारी करेंगे, सिंधी पे या चौताले पे? सिंधी पे कर रहे हैं जी। ये जो सिंधी घोड़ा चल रहा है जी, तो उन्हीं के साथ में आप अपने पिताजी के साथ साथ में मतलब घुड़सवारी सीखे और आप फिर दंगल रेस फाइट करने के लिए हर एक क्षेत्र में जाने लगे? पिताजी से ही जी मैंने सीखे हैं जी।
और उन्हीं के बदौलत मैं आगे बढ़ रहे हैं जी, और इस घोड़े से हम फाइट करने के लिए यहाँ जी मौजूद हैं। इस उत्तर प्रदेश में आप जो घोड़े सभी लेकर आए हुए हैं यहाँ मलियाबाद में ख्वाजा गौस खान जी के रेस में, तो क्या उम्मीद, मतलब कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल वाल और घोड़े वोड़े सभी यहाँ का देश काल कैसा लग रहा है? यहाँ का माहौल तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है जी। खान जी घूम घूम करके अपने जी सबका मतलब लेते हैं, देखते हैं और पूछते हैं हाँ भाई कोई चीज़ का कमी हो जी तो हमसे बताइए जी, तो जो कमी नहीं है तो क्या कोई कहेगा कि नहीं कमी नहीं है? सही है, जो व्यवस्था फुल है तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था फुल है। क्या उम्मीद अगले साल के लिए आप लोग बना रहे हैं? हाँ, आएंगे हाँ, कि अगले साल भी यहाँ आकर के जी देश को शोभा हम लोग बढ़ाएंगे जी। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।